हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये मेरे पास में गुलदावरी का प्लांट है, आप देख सकते हैं। गुलदावरी में है थोड़ा वो छोटा छोटा फ्लावर बड्स बनने लगा है, मैं उसको भी पिंच करके हटा दूँगी क्योंकि मुझे भी इसमें फ्लावर नहीं चाहिए। अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है 27-28 जा रहा है, अगर अभी फ्लावर खिल जाएगा तो वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। और आप सभी गार्डनरों को पता है कि क्रिसैंथेमम में एक बार फ्लावर होने के बाद दोबारा फ्लावर नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी पिंचिंग करने पर देखिए साइड साइड से निकलते जा रहा है और प्लांट जो है और ज़्यादा घुसी और घना बन जाएगा। देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके मैं बहुत सारे ऐसे खाली बर्तन जो होता है पॉट में भी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने इसको पिंच कर दिया, यहाँ से भी और भी फ्लावर पर और भी प्लांट नए नए निकल जाएंगे। अब चलिए, मैं इसमें क्या करती हूँ, ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए ये मैंने ये 10 लीटर पानी में आधा केजी मस्टर्ड के जो सरसों खली होता है उसको भिंगा करके मैं 24 घंटे के लिए रख दी थी। इस तरह से मिलता है मस्टर्ड केक, आप किसी भी तेल वाले जो निकालता है मस्टर्ड सीड्स का उसके यहाँ जाकर के आप ले आ सकते हैं, ये 40 रुपीज पर केजी मिलता है। और इसको 5 लीटर पानी या 10 लीटर पानी, 5 लीटर पानी में 250 ग्राम और 10 लीटर पानी में आधा के जी में भिगा दी हूँ। 24 घंटे को के लिए भिगाने के बाद इसको 5 लीटर पानी में एक मग, इस मग से मैं 5 मग में 5 मग पानी लेके सादा पानी और उसमें एक मग मस्टर्ड फर्टिलाइजर जो मैंने बनाया है लिक्विड फर्टिलाइजर उसको मिला करके आप पूरे प्लांट में किनारे किनारे डालना है। देख सकते हैं, प्लांट के ऊपर में नहीं डालना, प्लांट के साइड साइड में डालना है। अब पानी डालने से पहले मिट्टी, इसकी गमले की जो मिट्टी होती है वो सूखी हुई होनी चाहिए। जो आप पानी डालते हैं उसके जगह पर आप इसको डाल सकते हैं और हर 15 दिन पर 20 दिन पर इसको आप रिपीट कर सकते हैं। इसको डालने के बाद जल्दी कीड़ा भी नहीं लगता है। और ये है नीम ऑयल, 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंद नीम ऑयल का। बस इतना डाल के नीम ऑयल मिलाने के बाद पूरे प्लांट पर छिड़काव कर दें। क्योंकि क्रिसैंथेमम जो है उसमें बहुत ही जल्दी मिलीबग अटैक करता है, बहुत जल्दी मतलब फंगस लगता है इसमें, हिबिस्कस में, इसलिए इसका छिड़काव करने से प्लांट हेल्दी रहेगा और फ्लावर भी अच्छे से बड़ा बड़ा खिलेगा। पूरा जितना भी पत्ता ऊपर नीचे पूरे पत्ते पर डाल दें क्योंकि इस समय हवा में मॉइस्चर होने के कारण छोटे छोटे से काले काले कीड़े भी उड़ते रहते हैं। और ये आपको जो है हर 15 दिन पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जो होता है लिक्विड फर्टिलाइजर आपको डालना है हर 15 दिन पर, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं डालना है क्योंकि थोड़ा गर्म करता है। और 5 मग पानी व सादा पानी
और उसमें एक मग लिक्विड फर्टिलाइजर को मिला करके अच्छे से मिला करके पूरे प्लांट के मिट्टी में डालना है, नीचे प्लांट के ऊपर में नहीं डालना है, प्लांट के मिट्टी में डालना है, जड़ पर डालना है, जड़ नीचे अच्छा से बढ़ेगा और प्लांट भी हेल्दी बनेगा और फ्लावर बड्स जल्दी जल्दी आएंगे और बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा फ्लावर खिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।